नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं वही द 2020 पारंपरिक शो की, और उस शो में जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए पहुंचते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाई, एक सुपर कंडक्टर की क्या विशेषता है भाई, इसमें होता क्या है ऐसा। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग देखो, आंसर है फर्स्ट, जीरो परमिएबिलिटी या शून्य स्थायित्व। और शून्य स्थायित्व का मतलब क्या होता है, यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि चुंबकत्व क्षेत्र में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस परमिएबिलिटी कहलाती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है परमिएबिलिटी, स्थायित्व। अब देखो, रेजिस्टेंस अगर सुपर कंडक्टर की देखें तो सुपर कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो बिना किसी अवरोध के फ्लो होती है। तो सुपर कंडक्टर मतलब जिसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसका रेजिस्टेंस तो अपने आप जीरो हो जाएगा, यानी परमिएबिलिटी जो है वो अपने आप जीरो हो जाएगी। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यानी विद्युत चुंबकत्व का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट में परमिएबिलिटी का मतलब होता है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस मटीरियल अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हमने कहा परमिएबिलिटी, यानी कि जीरो परमिएबिलिटी होगी हमारे सुपर कंडक्टर की, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से फ्लो होती है, विद्युत का प्रवाह पूरी तरह से होता है, शून्य स्थायित्व। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। द वुमन हु रेंट्स हर वॉम टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड फॉर अदर्स इज नोन एज, एक औरत जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपने गर्भ को किराए पर देती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आंसर है आपका नंबर थ्री, सरोगेट मदर कहते हैं उसे। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में भी देख लेते हैं, बायोलॉजिकल मदर का मतलब ये होता है कि जिसका डीएनए सीधे ट्रांसफर होकर के बच्चे में जाता है, उसे बायोलॉजिकल मदर कहते हैं। उसके बाद स्टेप मदर का मतलब ये कि जिसकी शादी पिता से हुई हो लेकिन संतान उसकी ना हो, यानी पिता से शादी होकर के अगर कोई दूसरी माँ आती है तो उसे स्टेप मदर कहते हैं। सरोगेट मदर तो मैंने बता दिया कि जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपने गर्भ को किराए पर देती है वो, और फॉस्टर मदर का मतलब ये कि जो घर में रहने वाली माँ होती है, पालन पोषण करती है, उसे फॉस्टर मदर कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं धाय माँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ कि जो हिस्ट्री में हम लोग गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो गौतम बुद्ध के पैदा होने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इनको इनकी धाय माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, याद रखिएगा प्रजापति गौतमी, इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था, इसलिए गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर हैं प्रजापति गौतमी। तो आपको क्लियर हो गया, पाल पोस के बड़ा किया लेकिन पिताजी से शादी नहीं हुई, इसलिए वो स्टेप मदर नहीं, फॉस्टर मदर हुई। आगे बढ़ करके हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे देखो, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। अ वुमन हु बियर्स अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर वुमन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो सरोगेसी का सहारा लेते हैं, यानी सरोगेट मदर से वो चाहें तो एक बच्चा पैदा करवा सकते हैं, और सरोगेट मदर उनको बच्चा पैदा करके देती है। आगे बढ़ते हैं भाई, एसिटिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स, डीकार्बोक्सिलेशन करने पर एसिटिक एसिड क्या देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है। देखिए, एक ऐसी प्रोसेस है, सबसे पहले आंसर देख लो, मीथेन है इसका आंसर, और एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आप सामने देख सकते हो, ये देखिए, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जो कि प्रोसेस होने के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है, यानी जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, CO2 निकले और कार्बोक्सिल ग्रुप हट जाए। अब देखो, यहाँ पर आपको सिंपली ये समझ में आ रहा होगा, इस पॉइंट से आप सिंपली उठा सकते हो कि ये है एसिटिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं। अब इस एसिटिक एसिड में से CH3COH में से जैसे ही हमने इस पर प्रोसेस की, तो प्रोसेस करने के बाद देखिए, एक वेरी स्लो प्रोसेस अगर वाटर के साथ की है तो CH4 यानी मीथेन अलग हो जाएगा और मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। यही प्रोसेस देखिए हर जगह आपको देखने को मिलेगी, मीथेन अलग हो जाता है। तो होप आपको पॉइंट क्लियर है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप को और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय, अम्लीय वर्षा वायुमंडल के कौन से प्रदूषण के कारण होती है। और इसका सही आंसर है नंबर वन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से होती है। जब आप एसिड रेन के बारे में पढ़ते हो तो होता क्या है बेसिकली कि जितने भी हमारे प्रदूषक तत्व हैं वो सभी एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, और जब ऊपर से बारिश होती है तो बारिश की जो पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, ये पहली और दूसरी बारिश में पानी की बूंदों के साथ ये सारे तत्व मिल जाते हैं और पानी के
जो पीएच वैल्यू है उस पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ पीएच वैल्यू होती क्या है, यहाँ से आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन जब भी हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब बीच में है 7, इधर है 0 और इधर है 14, यानी 0 से लेकर के 14 तक का एक इंडिकेटर है, 0 से लेकर 14 तक का। 7 से नीचे अगर 0 की तरफ आओगे इसका मतलब कोई भी चीज़ एसिडिक है, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय है, और अगर 7 से 14 की तरफ जाओगे तो इसका मतलब कोई भी चीज़ बेसिक है यानी क्षारीय है। तो अम्ल और क्षार का फर्क है, अम्ल व क्षार। अब अम्ल और क्षार में एक चीज याद रखें, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, हम लोग बात कर रहे हैं पीएच वैल्यू की। अब इस 7 पीएच वैल्यू वाले पानी में अगर नाइट्रोजन और सल्फर के तत्व मिल जाएंगे तो अपने आप उसकी पीएच वैल्यू को वो नीचे गिरा देंगे और उसे ले जाएंगे 5 तक, और जैसे ही 5 तक पीएच वैल्यू पहुंचती है वो पानी का जो लेवल है वो पानी का लेवल अपने आप नेगेटिविटी की तरफ जाता है, यानी वो अम्लीय हो जाता है, और जैसे ही वो अम्लीय होता है इसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा को अब आप देख सकते हैं ऑक्साइड है नाइट्रोजन के और सल्फर के, इस अम्लीय वर्षा को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं और तब जाकर के ये अम्लीय वर्षा होती है। तो एसिड रेन का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं यहाँ पर, एसिड रेन होती कैसी है। देखिए सबसे पहले ये एक सोर्स है जहाँ सोर्स से SO2, NO2, NOx मतलब कुछ भी निकल रहा है, वो सारे के सारे जा करके ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब ऊपर से जब बारिश होती है तो बारिश होने के टाइम पर ये मिल जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स इन क्लाउड वाटर, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है पॉल्यूटेंट्स इन क्लाउड वाटर, एंड देन प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना, प्रिसिपिटेशन याद रखिएगा, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण, हिंदी में कहते हैं इसे। और अवक्षेपण के टाइम पर, वर्षा के टाइम पर ये सब कुछ जा करके मिक्स हो जाता है वर्षा वाले पानी में, तो इसकी वजह से ये नीचे जाकर पीएच वैल्यू को घटा देते हैं। सो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एज ऑफ फॉसिल मे बी फाउंड आउट बाई डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, द आइसोटोप्स आर, मतलब कार्बन के दो आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, ये हिंदी में मतलब जानिएगा इसका होता है समस्थानिक, मतलब कार्बन के दो आइसोटोप समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण करके जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो जीवाश्म की आयु का जब भी पता लगाना हो आपके पास जो मेथड है वो है C12 एंड C14 की मेथड, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि जब भी कार्बन का परसेंटेज एक निश्चित टाइम के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित अवधि में घटता जाता है, और उससे आप पता लगाते हैं कोई चीज़ कितनी पुरानी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं भाई एड्स क्यों होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय। तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म जान लो, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये जो AIDS है, अब इस एड्स में जिस वायरस के कारण ये होता है इसका आंसर होगा वायरस, ये देखिए आप देख सकते हैं जिस वायरस के कारण ये होता है उस वायरस को कहा जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो होप आपको ये क्लियर होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए तो ये आपको डिस्कस हो गया, आपको पता चल गया वायरस से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले इस इमेज को देखते हैं, इमेज को देख करके हमको ये क्लियर होगा कि आखिर ये एड्स जो है ये फैलता कैसे है। इसमें तीन कारण जो मेन हैं वो तीन कारण मेन कैसे, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब अगर मान लीजिए ब्लड किसी से लिया गया और वो जो ब्लड है उस ब्लड में ही एड्स के वायरस मौजूद है, यानी HIV वायरस मौजूद है, तो वो अगर इन्फेक्टेड सिरिंज से कहीं डाल दिया गया, किसी के ब्लड में इन्फ्यूज़ कर दिया गया, तो जब भी ब्लड चढ़ता है इसीलिए सिरिंज को हमेशा चेंज कर दिया जाता है, सिरिंज को आप कभी रिपीट नहीं करते। अगर ऐसा हो गया तो वो एड्स के जो वायरसेस हैं वो वायरसेस किसी दूसरे इंसान के अंदर पहुंच जाएंगे, और इंसान के अंदर जब एड्स के वायरस पहुंचते हैं तो उसका इम्यूनो सिस्टम खराब होने लगता है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे खराब होने लगता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती। और एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है, मतलब कई जगह तो अभी भी इलाज के लिए बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं कि आखिर इसका कुछ इलाज हो सकता है या नहीं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये भी एक कारण है जिस कारण की वजह से ये
बीमारी होती है, और तीसरा अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को भी वो बीमारी हो सकती है। तो ये तीन मेन कारण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं भाई एयर क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले याद रखो मिक्सचर है। अब कंपाउंड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें एक टाइप के एटम मौजूद हों, एक टाइप के एटम। फिर दूसरा कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हों लेकिन दे मस्ट बी इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उनका अनुपात फिक्स होना चाहिए, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, वो वेट से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ H2O तो इसका मतलब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, अगर मैं कहूँ CO2 तो कार्बन का एक ऑक्सीजन के दो, इस तरह से इसे यौगिक कहते हैं, क्लियर। और उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, कोई वेट फिक्स नहीं होता, जिसमें जितना जो मिलाना चाहो मिला दो। अगर आप एक शरबत बनाते हो तो शरबत में आप शक्कर का अनुपात कुछ भी रख सकते हो, चाय का अनुपात, चाय में शक्कर का अनुपात कुछ भी रख सकते हो, तो वो एक मिक्सचर है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, एयर में भी यही हो गया ना कि जैसे मिक्सचर है, क्यों मिक्सचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेज हैं और वो गैसेज वेट बाई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, मतलब कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से एक मिक्सचर बन के क्रिएट रहता है वो। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं हम एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी एनर्जी केमिस्ट्री की भाषा में जो कि आपके बॉडी के अंदर ज़रूरी होती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को बना करके रखते हैं। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी के जल स्तर को, आपके शरीर में जल स्तर वो बना हुआ रहता है। क्योंकि जब भी आप कभी भी सुनोगे कि जब भी किसी को दस्त लगते हैं या कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मोशंस लूज हो जाएं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का डोज दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी इलेक्ट्रोल पाउडर घोल घोल करके पिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड व्हेन, वायु कब संतृप्त होती है, और संतृप्त होने का मतलब क्या होता है। भाई सबसे पहले इसका आंसर जान लो, वन है। इसका मतलब यह है कि जब वायु में इतने वाटर वेपर्स हो जाएं कि वो और वाटर वेपर्स को ना ले सके, तो उसको बोलते हैं संतृप्त होना। कभी भी किसी भी चीज़ को संतृप्त होने का मतलब यही होता है, यानी खा पी करके पेट भर जाए अच्छा खासा। आपकी मम्मा आपको खीर खिलाती है, आपने एक कटोरी खाई, उसके बाद दो कटोरी खाई, उसके बाद तीन कटोरी खाई, और तीन कटोरी खीर खाने के बाद अब आप कितना भी पसंद हो वो खीर नहीं खा सकते, क्योंकि आपका पेट पूरी तरह से भर गया है। इसका मतलब ये है कि आप सैचुरेट हो गए हो। सैचुरेट का मतलब ये होता है, तो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, यानी इतना वाटर वेपर्स आ गया है कि अब उसमें और पानी और जलवाष्प पहुँच नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द मैक्सिमम पॉसिबल एट एन एग्जिस्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो भी तापमान और दबाव है उस तापमान और दबाव पर सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो उसे कहा जाएगा भाई हमारा संतृप्त होना, यानी कि सैचुरेट होना। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के आसवन से तैयार शराब को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लो, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं, किस तरह का डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन में सबसे पहले ये जान लो कि दो तरीके से होता है ये, एक होता है ड्राई डिस्टिलेशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखो जब अगर मान लो वेजिटेबल ऑरिजिन के, वेजिटेबल ऑरिजिन का मतलब ये कि जैसे जो लकड़ियाँ होती हैं और जिनमें से आप सपोज़ वो पौधे दबे रह जाते हैं, दबे रहने के बाद वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ईंधन बनते हैं, जीवाश्म उनमें होता है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कोल, ऑयल शेल, पीट, वुड, ये लकड़ी वगैरह से, इनमें जब आप एयर के बिना लकड़ी को, पीट को हीट करते हो तो हीट करने की प्रोसेस को कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, याद रखिएगा सबसे पहले। एंड उसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाएं और डिकम्पोज होने के बाद गैस लिक्विड बन जाएं तो ड्राई डिस्टिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन अगर यही काम आप 450 से लेकर के 600 डिग्री के सेल्सियस के तापमान के अंदर करो तो उस समय पर होने वाली प्रोसेस को हम ड्राई डिस्टिलेशन नहीं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर रखना, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब ये कि वेजिटेबल ऑरिजिन की चीज़ों को एयर के बिना गर्म करके उनमें से गैस और लिक्विड निकालना, वहीं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये कि डिकम्पोजिशन 450 से लेकर के 600 डिग्री तक के बीच में हो, विघटन बोलते हैं डिकम्पोजिशन को। तो मतलब 450 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर जब किसी भी लकड़ी को जलाया जाता है तो उस समय पर बिना
एयर की प्रेजेंस के, बिना हवा की मौजूदगी के जब डिकम्पोजिशन विघटन होता है तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तब निकलता है उसमें से मेथेनॉल, और मेथेनॉल जो होता है उसी को कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं, अल्जाइमर्स डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ, मनुष्य में अल्जाइमर रोग किसके पतन की विशेषता है। तो एक बात तो बता दूं कि ना तो नर्व सेल्स के, ना किडनी सेल्स के, ना ब्रेन सेल्स के, ना लीवर सेल्स के। इसमें जो आंसर है आपका, आंसर तो ब्रेन सेल्स है। अब देखो क्यों, ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में इंसान की ब्रेन सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, यानी इंसान को भूलने लगता है, उसको भूलने की बीमारी हो जाती है और उसका मेमोरी स्टोरेज धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसकी संग्राहिका मेमोरी जो है वो ख़राब होने लगती है और ब्रेन सेल्स धीरे धीरे नष्ट होंगी, अल्जाइमर डिसीज़, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट है कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, और आप देख रहे हो कि इसका सही आंसर तो हीलियम ही होगा, हीलियम नहीं करता। इनफैक्ट हीलियम क्यों नहीं करता वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है ये। और इसके साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल और भी है कि जब भी गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं उस समय पर वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, इन तीनों का मिक्सचर भरते हैं। ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है एयर का उस पर्टिकुलर सिलेंडर में, वो 78% से कम करना है। जैसे आप कम करने की कोशिश में जाते हो नाइट्रोजन के परसेंटेज को, आप हीलियम मिक्स करते हो। तो याद रखिएगा, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नाइट्रोजन नार्कोसिस। अगर नार्कोसिस हुआ तो डाइवर वहीं पर प्रॉब्लम में आ जाएगा, यानी जो गोताखोर है वो समस्या में आएगा। तो जितने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो भी गैस के कारण होते हैं डेप्थ में जाने पर, उन सभी को कम करने के लिए हम लोग हीलियम को मिलाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है, सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और रिकॉर्ड करता है। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ कि इसका आंसर है हाइग्रोमीटर, जिसका काम है हवा की सापेक्ष आर्द्रता को नापना, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर का काम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापना, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी को नापना, याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की डेंसिटी पानी के सापेक्ष कितनी है। जो वाटर के रिलेटिव में जो डेंसिटी होगी उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हाइड्रोमीटर ये नापता है, लैक्टोमीटर नापता है दूध की शुद्धता, मिल्क प्योरिटी, याद रखिएगा लैक्टोमीटर। और उसके बाद है बैरोमीटर, बैरोमीटर हवा का दबाव नापता है, प्रेशर ऑफ एयर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, कोणीय संवेग क्या होता है। तो कोणीय संवेग, याद रखिएगा संवेग कभी भी आप पढ़ो, जब भी आप पी पढ़ते हो तो पी में आप पढ़ते हो मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे आप पढ़ते हो, लेकिन जब जब कोणीय संवेग की बात आती है तो यहां मास नहीं लिखते, मास एंगुलर कुछ नहीं होता ना, मास यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व। वो जितना चेंज होता है बल का आघूर्ण, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां पर शामिल करते हैं, और वेलोसिटी आपकी होती है एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं भाई, एनिमल्स अडॉप्टेड टू द लाइफ इन एयर आर कॉल्ड, हवा में जीवन के अनुकूल पशुओं को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर है आर्बोरियल कहा जाता है। आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि ऐसे पशु पक्षी जिनकी लाइफ इज बेस्ड ऑन ट्रीज, जिनकी लाइफ ट्रीज के ऊपर बेस्ड है उन्हें आर्बोरियल कहते हैं, जिनकी जीवन शैली पूरी तरह से पेड़ों के ऊपर आधारित है उन्हें आर्बोरियल कहते हैं। आगे बढ़ते भाई, आर्गन को किसने डिस्कवर किया था, तो आर्गन को डिस्कवर किया था विलियम रैमसे ने, आपको ये याद रहेगा।
इस तरह से जो हमारा सेक्शन है आज के साइंस का, ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ ताकि लोग कॉन्सेप्ट को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।